हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उर्मिला, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा स्टाइल दाल फ्राई रेसिपी। चलिए इसे बनाते हैं। अब जान लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट और चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस पर। हमने 200 ग्राम अरहर की दाल ली है, इसे तुअर दाल भी कहते हैं। ये अनपॉलिश दाल है, हमने इसे पहले से ही धो के रखा है। इसे दो तीन बार हमने पानी से अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसे डाल लेते हैं कुकर में। अब करीब इसमें 1.5 गिलास पानी डाल लेंगे हम। पानी और दाल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी हो जाती है। अब इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। अब लगा लेते हैं इसकी विसल। हम इसे 2 से 3 विसल लगाएंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, देखिए अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अब कर लेते हैं इसकी फ्राई करने की तैयारी, तड़के की तैयारी। इसके लिए हमने कढ़ाई में पहले से ही ऑयल डाल के हीट कर लिया है। अब डाल लेते हैं इसमें जीरा 1 टेबल स्पून, हमने मस्टर्ड ऑयल लिया था इसलिए अच्छी तरीके से इसे हीट कर लिया है। अब डाल लेते हैं इसमें गार्लिक 1 टेबल स्पून, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 करी पत्ते, 2 अब डाल लेते हैं हम इसमें प्याज और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए प्याज का। और फ्रेंड्स, आपको अब तक के एविडेंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी और इसी तरह की वीडियो बना सकूं। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमने दाल ली थी 200 ग्राम उसकी थिकनेस इस तरीके से हो चुकी है और प्याज भी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें डाल लेते हैं हम 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च को आप पतला या मोटा किसी भी तरीके से काट के इसमें डाल लें। और प्याज में हमारी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम 1 टमाटर डाल लेंगे। अब 1 टमाटर जिसे भी हमने काट के रखा है, और कुछ इस तरीके से फ्राई कर लिया हमने। टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें डाल लेते हैं हम ड्राई मसाले अपने। वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर। इस प्रोसेस पे गैस फ्लेम स्लो कर दें। रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब हम ड्राई मसाले डालते हैं तो गैस फ्लेम हमेशा स्लो रखें और मसाले इस तरीके से मूझने से इसका अच्छा कलर आता है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कुछ हींग डाल देंगे हम। हींग हमने पीछे से डाल ली है। अगर हम हींग को पहले डाल दें तो दाल में अच्छा फ्लेवर नहीं आता है, हींग का कम फ्लेवर आता है। अब दाल में हींग का पूरा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें हमने दाल डाल ली है।
इसे इस तरीके से चला लेंगे और इसमें डाल लेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल लेंगे इसमें। अब कुछ इतनी थिकनेस रखनी है दाल की, उसी हिसाब से पानी डाल लें आप। अब इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट बॉईल होने के लिए और इसमें नमक डाल लेते हैं। और इसे बॉईल होने देते हैं करीब 5 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी पक चुकी है, गैस फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। अब डाल लेते हैं इसमें कसूरी मेथी, हल्का सा गरम मसाला, अब इसे सर्व कर लिया हमने बाउल में। अब कर लेते हैं धनिया से गार्निशिंग। दाल रेडी हो चुकी है हमारी। इस तरीके से दाल आप चावल के साथ या नान के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल, एक बार अगर आपने इस तरीके की दाल तड़का फ्राई बना ली तो आप बार बार बनाओगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।